नमस्कार दोस्तों, अपन ने जयपुर जिला संभाग में जयपुर जिला पढ़ लिया। आज उसी का दूसरा जिला दूसरा जिला पढ़ते हैं। मैं कमल सर ग्लोबल कंपटीशन क्लासेज जयपुर है। देखिए दूसरा जिले की बात करते हैं। दूसरा जिला दूसरा जिला ये दूसरा जिला राजस्थान का 29वां जिला है। 29वां जिला इसको जिला बनाया गया 10 अप्रैल 1991 में। इस समय ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि पर। फिर इसी में एक तहसील जोड़ी गई महुआ 1992 में, 15 अगस्त 1992 में। फिर ये दूसरा छोटा जिला बना, पहला जिला धौलपुर हो गया। अब देखिएगा आगे दूसरा जिले में इसका संबंध क्या है। इसका संबंध ऐतिहासिक काल से रहा है। यह सर्वप्रथम बड़भूजनों की राजधानी हुआ करती थी और यहाँ पर दूल्हे राय के करीब 1137 ईस्वी पूर्व इस राजधानी पर हमला किया और यहाँ पर एक नई वंश की नींव डाली गई, कछुआ राजवंश की नींव, जो उनकी प्रथम राजधानी बनी। दोसा प्रारंभ में यहां पर बड़े गुजरों का शासन था और इन बड़ गुजरों ने एक किला बनवाया दोसा, जिसको दोसा का किला कहते हैं। निर्माण प्रति हाल काल में बड़े गुजरों द्वारा करवाया गया। यह सूप यह किला सूप छाजल के आकार का है। देखिए इस किले का संबंध क्या है। मिर्जा राजा जयसिंह, जो कछवा वंश का था, मिर्जा राजा जयसिंह है का जन्म है। इस किले में हुआ और मिर्जा राजा जयसिंह की शिक्षा व प्रशिक्षण कार्य भी इसी दुर्ग में हुआ। मिर्जा राजा जयसिंह की शिक्षा व प्रशिक्षण का कार्य भी इसी दुर्ग में हुआ। अब आगे बात करते हैं। इसी प्रकार से
दौसा जिले के प्रमुख मंदिरों की देखिए, दौसा जिले के प्रमुख मंदिर है कौन कौन से हैं दोस्तों। दौसा जिले के प्रमुख मंदिरों में सर्वप्रथम बात करते हैं हर्ष माता के मंदिर की। जो ये मंदिर है आभा देवी गांव में स्थित है, प्रतिहारकालीन महामारु शैली का मंदिर है, हर्ष माता का मंदिर। हर्ष माता का मंदिर आभा देवी गांव में स्थित है। आभा देवी गांव में यह हर्ष माता का मंदिर प्रति हार कालीन मंदिर है, महामारु शैली में बना हुआ है। महामारु शैली का मंदिर है दोस्तों। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हर्ष माता का मंदिर कहाँ है, दौसा जिला। दौसा में भी पूछा जाए तो आभा देवी नामक गांव में। और यह मंदिर किस शैली में बना हुआ है, ये दोस्तों प्रतिहारकालीन महामारु शैली में बना हुआ है। प्रतिहारकाल की महामारु शैली थी। आगे देखिएगा दौसा का संत सुंदरदास का मंदिर, संत सुंदर दास मंदिर। यह मंदिर दौसा का धार्मिक स्थल है। बेटो लाओ यहां पर बना हुआ है और यह इनकी जन्म स्थली भी है। जन्म स्थली गेटोलाव ताला। और एक दौसा का मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। ये दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, इस कारण इस कारण इसको घाटा मेहंदीपुर बालाजी भी कहते हैं। देखिए घाटा मेहंदीपुर बालाजी दौसा जिले में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सबको पता है कि मेहंदीपुर बालाजी प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन यहां पर बालाजी की किस रूप में पूजा की जाती है, किस स्वरूप में पूजा की जाती है, तो वो पूजा की जाती है बाल स्वरूप में। इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। इस मंदिर में बाल स्वरूप में बालाजी की बाल स्वरूप में पूजा की जाती है। दोस्तों अपन ने पढ़ा दौसा के प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर
उसी प्रकार से अब पढ़ते हैं दोसा की बावड़ियां व छतरी। देखिए दोसा की एक प्रसिद्ध सुविख्यात विश्व विख्यात एक बावड़ी है जिसको आभा नेरी की बावड़ी कहते हैं। ये बावड़ी प्रतिहा काल की बावड़ी है जो महामाल शैली में बनी हुई है और यहाँ के शासक चंद्र ने इसका निर्माण करवाया, इसी कारण इसको चांद बावड़ी के नाम से जानते हैं। आभा नेरी की चांद बावड़ी, आभा नेरी की चांद बावड़ी। इस मैं लिख देता हूं यहां पर वर्गीत में दोसा, यह बावड़ी प्रति हार कालीन बावड़ी है। महा मारू शैली में बनी है, हुई है, महामारू शैली में बनी हुई है। निर्माण है राजा चंद्र ने करवाया था, इसी कारण इसको चांद बावड़ी कहते हैं। अब बात करते हैं आलूदा का, आलूदा का बुबानिया कुंड, बुबानिया कुंड। देखिए आलूदा का बुबानिया, बुबानिया कुंड का स्थित है दोसा जिले के आलूदा नामक गांव में। आलूदा का संबंध खादी से भी है, वो अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छतरी है, बंजारों की छतरी, बंजारों की छतरी। दोस्तों यह छतरी लाल सॉट में स्थित है। यह छतरी 6 खंभों की है। बंजारों की छतरी कहाँ है? लाल सॉट में, दौसा जिला लाल सॉट। कितने खंभों की है? 6 खंभों की। देखिएगा एक चबूतरा बना हुआ है, वो चबूतरा खानवा के युद्ध के समय सांगा जब भाई हुए तो सर्वप्रथम उनको दोसा जिले की बसवा नामक गांव में लाया गया और यहां से उनका इलाज करके फिर रणथंभौर दुर्ग में रखा गया। आगे बात करते हैं सांगा का चबूतरा बसवा, बसवा सांगा। महाराणा सांगा, सांगा का चबूतरा, चबूतरा कहाँ स्थित है? वो बसवा में स्थित है। दोस्तों अब देखिए राजस्थान के प्रथम नव निर्वाचित मुख्यमंत्री का संबंध भी दोसा जिले के मंडावन नामक गांव से है। राजस्थान के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री
राजस्थान के नव निर्वा चित है। मुख्य मंत्री टीकाराम राम पालीवाल। दौसा के मंडावर कस्बे से थे। आगे बात करते हैं दौसा में ही। देखिए मैं अभी आलूदा की बात की थी। आलूदा गांव, ये गांव खादी के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर जो तिरंगा झंडा फहराया गया था वो यहीं पर बनकर तैयार हुआ था आलूदा गांव में। प्रथम स्वतंत्रता दिवस, प्रथम स्वतंत्रता स्वतंत्रता दिवस पर पहराया गया तिरंगा झंडा यही तैयार हुआ था, यही बनाया गया था गया था। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर फहराया गया झंडा कहां बना था तो दौसा के आलूदा गांव में बना था। आगे देखिएगा रेजी का कपड़ा, रेजी का कपड़ा, ये रेजी का कपड़ा लालचूर का प्रसिद्ध है जो बड़े या फन बनाने के लिए इसी कपड़े का प्रयोग किया जाता है। रेजी का कपड़ा लाल शॉर्ट है, पड़ या फड़ तो ये वंशावलियां लिखने के काम में आता था पहले। पड़ या फड़ बनाने के लिए यह कपड़ा प्रसिद्ध था। लाल शॉर्ट का, रेजी का कपड़ा